मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में तालाब में डूबने और सड़क दुर्घटना में हुए मृतकों के परिजनों को अंचलाधिकारी सौरभ कुमार ने आपदा प्रबंधन की ओर से 4 लाख रुपए का चेक दिया। दरअसल क्षेत्र में पिछले साल 30 जून को गांव के ही पोखरा में डूबने से 7 वर्षीय आदर्श कुमार रावत की मौत हो गई। वहीं 2019 में 21 जुलाई को बेनीपट्टी में सड़क दुर्घटना में 60 वर्षीय विनोद झा की मौत हो गई थी। कुल दो व्यक्तियों को आपदा के तहत अनुग्रह अनुदान की 4-4 लाख की राशि दी गई है, जिसमें प्रथम व्यक्ति आदर्श कुमार, उनकी माता उषा देवी को दिया गया 4 लाख, दूसरा विनोद झा, उनके आश्रित निकटतम आश्रित पत्नी सीता देवी को 4 लाख का अनुदान। और मधुबनी से संवाददाता नवीन नायक इस वक्त हमारे बीच जुड़ चुके हैं। नवीन नायक, मृतक के परिजनों को जो एक साल पहले इस तरह की घटना 2019 में मौत हुई थी 7 वर्षीय बालक की, अब जाकर मुआवजे की जो राशि है वो दी गई है, 4 लाख का चेक दिया गया है, किस तरह की प्रतिक्रिया परिजनों को देखने को मिल रही है परिजनों में? जी, परिजनों को इस मुआवजे मिलने से खुशी मिल रही है, जो कि सरकार के द्वारा उचित मुआवजा उनको परिजन को दिया गया। जी नवीन, क्या प्रशासनिक अधिकारी अंचलाधिकारी से बात हो पाई कि इतना समय क्यों लग गया मुआवजा राशि देने में? हाँ, अंचलाधिकारी का कहना है कि जो भी सरकारी प्रक्रिया होती है उसमें जो समय तो लगा है, सरकारी प्रक्रिया होने के बावजूद ही परिजनों को जो भी मुआवजा मिलता है दिया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया नवीन आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए।